ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम देखते हैं परिवार, एक घर में ऐसा था जो मम्मी पापा नहीं सब आपस में लड़ता है और बच्चों का कहते हैं लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। ये कैसे हो सकता है? अपना ही जरा पापी है वो। संस्कार आप ऐसे नहीं समझो, ये तो छोटे हैं, 2 साल का है, 6 मास का है, 3 मास का है, ऐसे नहीं समझो। हम झगड़ा करते हैं तो भले उसको भाषा नहीं मालूम होता है, उसके पास वो वोकैबुलरी नहीं होता है, हम जो झगड़ा करता है वो वाइब्रेशन सबसे ज्यादा बच्चे रिसीव करता है, उसको कहते हैं परिवार से संस्कार। तीसरा होता है एनवायरनमेंट। आजकल सभी ऐसे समझ लिया जो बहुत पैसा दे करके क्या बोलते हैं इंटरनेशनल स्कूल, 1 साल के लिए 2 लाख 3 लाख, 1 KG क्लास के लिए 1 लाख, वैसे हो तो स्टैंडर्ड एजुकेशन, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्कूल, वहां मेरा बच्चा पढ़ता है, वो भी क्या हो गया एक तरह का प्रेस्टीज हो गया, एक तरह का क्या समझ लिया, वो बहुत हाई ग्रेड समझ लिया, वहां स्कूल में डाला। एक दिल्ली में हुआ एक संगठन आपको सुनाता हूं क्या हुआ है। एक छोटा सा लड़की था, मासूम बच्ची, उसका 6-8 साल हो सकता है, उसका मम्मी भी सॉफ्टवेयर, उसका पापा भी सॉफ्टवेयर, बहुत मुश्किल से वो बच्ची हफ्ते में 1 दिन मम्मा पप्पी को पापा को देखती थी, लेकिन वो पापा कभी भी बच्चे को प्यार से बात नहीं करता है, वो देखे तो भी कंप्यूटर, मम्मा पूरा हफ्ते के काम करने में बिजी, और उसको एक मेड देखता था, उसका देखभाल करता था, उसको मदर फादर का प्यार कभी अनुभव नहीं हुआ। ये बच्चे क्या कर दिया, स्कूल गया, उसको एक फ्रेंड हो गया लड़का, उससे उसका पूरा जीवन में क्या सोचना नहीं वो सब कर दिया। तो सभी आकर के वो स्कूल का नाम खराब होता है तो वो स्कूल वाला ने उस छोटी सी बच्ची को निकाल दिया, उसका फादर मदर उसको बहुत मारा, स्कूल से बाहर निकाला, एक घर के एक रूम में डाला, टॉर्चर दिया, उसको बहुत परेशान किया, वो बच्ची बहुत जान के खतरे में पड़ गई। फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, वो चाइल्ड साइकोथेरेपिस्ट के पास लेके गया, उसका हिस्ट्री लिया, तो उसको पता चला बच्ची को प्यार चाहिए था, वो प्यार नहीं मिला, कभी भी वो प्यार को एंजॉय नहीं किया जीवन में, फादर का भी प्यार नहीं मिला कुछ भी। तो उसने क्या समझा, वो फ्रेंड के साथ जो करते हैं वही प्यार, ये सिनेमा में जो होता है वही प्यार, ये मोबाइल में जो देखते हैं वही प्यार समझ के गलत रास्ता में चले गया। तो आप ही बोलो, अगर हम बच्चे को अच्छी तरह का परवरिश नहीं किया, प्यार नहीं दिया, सच्चा प्यार नहीं दिया, हमारा मन को हम अच्छी तरह से संस्कार नहीं, सभी बच्चों को संस्कार नहीं भरा, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वातावरण का इफेक्ट होता है। और चौथा है विल पावर। पुराने जमाने में मां पिता बच्चों को एक सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरीज सुनाते थे, क्यों सुनाते थे, ताकि वो बच्चे अच्छे जीवन में आगे बढ़े। आजकल कौन सुना रहे हैं ऐसे, सभी फिल्में देख करके रहते, सीरियल देखिए आए तो वूट ऐप में जा करके उधर डाउनलोड करते हैं, इतना तक बिगड़ता जा रहा है। कोई भी किसी को भी किसी भी तरह का संस्कार देने जैसे योग्य नहीं करते। आप सब समझते शिवाजी को उतना श्रेष्ठ संस्कार किससे मिला, छत्रपति शिवाजी को उसके मदर से क्यों मिला, उसने ऐसे कथाएं सुनाते हैं। आज बच्चों के साथ
अपने पेरेंट्स कितना टाइम बिताते हैं, आप भी बोलिए 10-15 मिनट भी मुश्किल से नहीं बिताते। कभी स्कूल के कई एक अच्छे बातें अच्छे संस्कारों को नहीं पूछते, केवल प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं या मार्कशीट देखते हैं या मार्क्स कंपेयर करते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पूछते हैं, लेकिन संस्कार को पीला छोड़ दिया। इसी का कारण आज के जमाने में माता पिता और बच्चों के बीच में एक गैप है, वो गैप बढ़ता जा रहा है और हम समझते हैं जनरेशन गैप, ये नाम कोई नहीं है, जनरेशन गैप नहीं, हमने जनरेट किया ऐसे, हमने वहां एक डाउट का संस्कार, हमने एक तरह की हमारे बच्चों के प्रति एक नफरत की भावना हमने क्रिएट किया, डिस्ट्रस्ट।